हेलो फ्रेंड्स, सो मैं अपने नए टॉपिक के साथ फिर आ गया हूँ और आज भी हर बार की तरह बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आया हूँ। सो आज हम बात करेंगे MI रोबोट के बारे में जो कि मूविंग और वैक्यूम दोनों कर सकता है। सो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ आ जाता है MI की तरफ से MI रोबोट जो कि मूविंग एंड वैक्यूमिंग दोनों करता है। इसके साथ काफी सारे अटैचमेंट्स दिए गए हैं जैसे कि इसका चार्जिंग, वैक्यूम एंड मोपिंग के लिए अलग अलग अटैचमेंट्स और इसके साथ एक मोप भी दिया गया है और काफी सारे अटैचमेंट्स इसके साथ दिए गए हैं जो कि मैं आपको थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इस जो मेन रोबोट है इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए हैं। सबसे पहला और कि जो मेन सेंसर सबसे पहले यहाँ आगे लगाया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और दूसरा सेंसर यहाँ टॉप हेड पे है जो कि थोड़े हाइट पे लेके बनाया है, और दो तीन सेंसर यहाँ साइड में दिए गए हैं। और इसके साथ में इसके ओपनिंग स्पेस के बारे में दिखाता हूँ। यहाँ से ये ओपन होता है और फ्रेंड्स इसके अंदर आप काफी सारी चीज इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि इसके साथ इसके ब्रश देके रखा है और अभी मैंने मोपिंग टैंक इसके अंदर इंसर्ट किया है, ये देके रखा है। सो इसका सबसे पहला अटैचमेंट ये आ जाता है। इसके अंदर हम वाटर भर के मूविंग कर सकते हैं और इसके साथ हमें दिया गया है छोटा सा एक ब्रश जो कि इस मूविंग और वैक्यूमिंग टैंक के लिए यूज्ड होता है। ठीक है, सो अंदर की चीजें तो हमने अब सारी देख ली है, इसको अब हम कर देते हैं क्लोज। और इसके अगर आप देख सकते हैं इसके टॉप पे दो बटन्स दिए गए हैं, एक स्टार्ट करने के लिए और दूसरा इसके चार्जिंग डॉक पे भेजने के लिए, और दोनों बटन को अगर आप साथ में प्रेस करोगे तो वो रिसेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसके कुछ अटैचमेंट्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका एक चार्जिंग डॉक देके रखा है। इसके साथ जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये 2-in-1 डस्ट कंपार्टमेंट है, मतलब इसके अंदर आप वाटर भर के मूविंग भी कर सकते हैं और इसके साथ वैक्यूम भी हो सकता है। और दूसरे अटैचमेंट की बात करूं तो ये सिर्फ वैक्यूमिंग के लिए बना है, आपको सेम इसको अंदर अटैच करना है इस तरह से, तो ये सिर्फ वैक्यूमिंग के लिए बना है और ये दोनों के लिए। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ब्रश की मैंने आपको बात की ही थी और आपको एक और अटैचमेंट दिखाऊं तो वो भी इसके अंदर ही जुड़ता है, वो है मोप। सो आइए दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। सो ये एकदम हमने पीछे इंसर्ट करते हैं क्योंकि इसको मोपिंग करने में इजी रहे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे रहा इसका मोप जो कि इसके एग्जैक्टली पीछे जाएगा और वाटर ये अपने आप मैनेज कर लेता है, और ये आपके ऊपर भी है कि आपको वाटर लेवल हाई, लो के मीडियम रखना है। सेकंड चीज बात करें कि इसको आपको कंट्रोल कैसे करना है, तो इसके जो बटन है इससे आप स्टार्ट या स्टॉप तो कर ही सकते हैं। अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए सो आपको इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपको, और इसका ऐप काफी इजी है ऑपरेट करने के लिए। और इसमें सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो इसके एप्लीकेशन जो है उसके अंदर आपके पूरे घर का ये अपने आप मैप बना लेता है जो कि आपके लिए बहुत ही इजी ऑप्शन बन जाता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे MI का ऐप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस है, जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं, ये देखो ये आपका मैप भी बना लेता है और इसमें आप क्लीन अप शेड्यूल कर सकते हैं, और इसमें डिफाइंस एरिया है जो कि आप एरिया यहाँ पे अगर आपको करना हो या तो उस एरिया में आपको नहीं करना हो वो भी इसमें फंक्शन दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इस वीडियो के रिव्यू पे, मीन्स हम इस जो MI रोबोट है इसका हम रिव्यू देंगे और इसके साथ साथ मैं आपको इसका आंसर भी दे दूंगा कि क्या ये आपके घर के लिए यूजफुल है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला इसका मुझे प्लस पॉइंट लगा कि ये काफी छोटी छोटी चीजें ले लेता है, और अगर आप वैक्यूम देखोगे तो ये वैक्यूम बहुत ही एकदम बारीकी से करता है और मूविंग में भी मुझे काफी हद तक अच्छा लगा ये। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे ये लेना बेस्ट रहेगा, और इसके साथ इसमें इतने सारे सेंसर्स है, आई थिंक 8 या मोर देन 8 सेंसर्स इसके अंदर डाले हैं, और इसके अंदर स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी भी है। और इसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट
आप इस मूव को शेड्यूल कर सकते हैं कि मीन्स आप जब सो रहे हो और आप चाहते हो कि हम उठे और ऐसे ही हमारा घर एकदम साफ दिखे, तो आप आपके अपने मोबाइल ऐप से इसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो कि मुझे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। और इसके साथ साथ तीसरा प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि अपने आप ही अपना काम करने के बाद अपने आप चार्ज होने आ जाता है। मीन्स अगर आपको इसको फोर्स करके इसको अपने चार्जिंग डॉक पे नहीं ले जाना पड़ेगा, ये अपने आप चार्जिंग डॉक को पहचान लेगा और वहां पे अपने आप अटैच हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊँ इसकी प्राइस। तो अगर आप अभी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आई थिंक 23 to 25 thousand में आपको मिल जाएगा। मैंने भी इसको इतने ही प्राइस में लिया था। और उसी के साथ साथ अगर मैं बोलूँ आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो हाँ, आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये मुझे काफी अच्छा लगा। काफी बारीकी से ये कचरा लेता है और काफी टाइम भी सेव करता है हमारा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पसंद आई, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट प्लीज करिएगा आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं हमारे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।